आज से ठीक 2 साल पहले जिस शराब घोटाले की जांच के आदेश एलजी साहब ने दिए थे, वो शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को इतना महंगा पड़ा कि उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। उसके बाद से तो एक के बाद एक विभाग पर एलजी साहब ने जांच बिठा दी, कभी सीबीआई की तो कभी एंटी करप्शन ब्रांच की, और इस सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब दिल्ली के पालम इलाके में नालों की सफाई में हुए कथित घोटाले की जांच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच को सौंप दी है, जिसकी जद में है केजरीवाल सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग। अभी पूरा मामला क्या है जरा इसे समझिए। दरअसल पालम से निगम पार्षद और वकील खरखरे ने एलजी साहब को एक शिकायत दी, जिसमें यह लिखा कि साल 2022 के मानसून के दौरान नालों की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ। साल 2021 से 2024 तक 4 साल के दौरान नालों की सफाई के नाम पर 80 करोड़ की हेरा फेरी की गई। इन 4 सालों में इन फंडों को लेकर पीडब्ल्यूडी के 2 डिवीजनों में एक ही ठेकेदार को दिया गया। सुपर सकर मशीनों की कमी की वजह से ठेकेदार ने मैनुअल स्क्वेंजर्स को काम पर रखा। जाफरपुर में सीवरेज पंपों की स्थापना में गड़बड़ी की गई, एक ही काम के लिए डबल पेमेंट की गई, काम नहीं था लेकिन उसकी जरूरत दिखाई गई। सब डिवीजन टेंडरों का दुरुपयोग किया गया, टेंडर के नियमों का उल्लंघन किया गया, 4 सालों तक गलत बिलिंग की गई, कम काम के लिए बनाए गए अधिक बिल, एक ही ठेकेदार को दिए गए सारे ठेके। ना सिर्फ अमित खरखरे ने एलजी को शिकायत कर आरोप लगाए, बल्कि पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदारों का नाम भी लिखते हुए ये आरोप लगाए कि ठेकेदार सुरेंद्र सिंह और दूसरे पीडब्ल्यू कर्मचारियों पर गलत कामों में शामिल होने का आरोप है। कार्यकारी अभियंता आशीष गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार मीना और सहायक अभियंता धर्म सिंह मीना को लेकर शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाया कि चूंकि ये दोनों डिवीजन उच्च पदस्थ पीडब्ल्यूडी अधिकारी के अंदर आते हैं, इसलिए हो सकता है कि वे भी इन गड़बड़ियों में शामिल हों। अब इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एलजी साहब ने आरोपों की जांच एसीबी को सौंपते हुए मुख्य सचिव को यह आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाते हुए जल्दी से जल्दी एक्शन रिपोर्ट दाखिल करें। तो कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव से पहले एलजी साहब की जांच का आदेश पहले से ही गरमाई दिल्ली की सियासत में भूचाल ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।